गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ योर मॉरल साइंस बुक ऑफ क्लास 4 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेयर, दैट इज चैप्टर 1। सो टेक आउट योर बुक, चैप्टर 1 दैट इज प्रेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी को पता है प्रेयर किसे कहते हैं। प्रेयर इज द एक्शन ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। प्रेयर एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम भगवान से डायरेक्ट अपनी बातों को शेयर करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उसे अपनी बातों उनके सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रेयर। वेन यू प्रेज गॉड एंड प्रे टू हिम, जब आप भगवान की प्रशंसा करते हैं, प्रेज मीन्स PRAISE, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। तो जब आप भगवान की प्रशंसा करते हैं, गॉड एंड प्रे टू हिम, और भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो क्या होगा, यू मेक हिम हैप्पी, तो आप उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं या खुश करते हैं। जब भी आप किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी का बड़ाई करते हैं, उसका उसकी अच्छाइयों को बताते हैं, तो क्या होता है, वे व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। जस्ट लाइक वैसे ही भगवान की जब हम प्रशंसा करते हैं कि आपने इतना सुंदर दुनिया को बनाया, ये क्रिएचर्स लाइक रिवर, लुक हियर पिक्चर, बटरफ्लाई, फ्लावर्स, मम्मी पापा आपके, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उसको किसने बनाया, उसको भगवान ने बनाया, तो उस समय क्या होते हैं, आप उनकी प्रशंसा करते हैं तो क्या हमें फील होता है कि भगवान सुन रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। प्रेइंग इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट आवर डे, प्रार्थना करना ही सही तरीका है हमारे दिन की शुरुआत करने का। जब आप सुबह सुबह उठ के भगवान की प्रार्थना करते हैं तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाता है। सो ये अच्छा वे है टू स्टार्ट आवर डे। एंड वेन वी यू प्रे इन द मॉर्निंग, एवरी थिंग्स ऑफ डैट डे विल बी स्मूथ एंड ईजी गोइंग विदाउट प्रॉब्लम। आप महसूस करेंगे कि जिस दिन आप सुबह उठ के भगवान की प्रार्थना किए हों, बड़ों का आदर किए हों, उन्हें हर्ट नहीं किए हों, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाता है, स्मूथली मतलब अच्छे तरीके से बीतता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपके नहीं आती है आपके सामने। सो स्टार्ट प्रेइंग नाउ। सो अब हम प्रेयर स्टार्ट करेंगे और इस प्रार्थना के माध्यम से आपको कुछ सीख भी मिलेगा। सो हम पहला प्रार्थना स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस टूडे। ये बच्चे भी प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, थैंक यू गॉड, आपने जो मुझे दिया, हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। फॉर गिविंग अस टूडे, जो भी हमारे पास आज है उसके लिए आपका शुक्रिया। जो भी आपने हमें दिया, अच्छे खाने, अच्छे कपड़े, अच्छे माता पिता, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा स्कूल, अच्छे टीचर, सभी चीज़ों के लिए आपका थैंक्स। It is great having my friends and teachers to work and play. ये बच्चे बोल रहे हैं कि आपने जो हमें टीचर दिए, फ्रेंड दिए, उसके लिए भी आपका बहुत ग्रेट थैंक्स। वर्क्स, जिसके कारण हम लोगों ने काम सीखा, और जिसके साथ हम खेलते हैं, यानी कि आपने जो हमें फ्रेंड्स और टीचर दिए उसके लिए आपका बहुत थैंक्स। हेल्प अस टू ग्रेटफुल इन एवरी वे, तो ये बहुत हेल्पफुल हैं। ग्रेटफुल मतलब ग्रेटफुल का मीनिंग होता है आभारी, यानी कि वो जो यानी कि आभार व्यक्त कर रहे हैं बच्चे कि बहुत ये मैं बहुत हेल्प ग्रेटफुल यानी कि बहुत बहुत आभारी हूँ जो ये इन्होंने हमारा मदद किया हर एक तरीके से एवरी वे। एज वी लर्न टू बी ट्रस्ट वर्थली, यानी कि ट्रस्ट वर्थली का मीनिंग होता है भरोसेमंद, यानी कि जो हम लोगों ने सीखा कि किसी के भरोसे पे कैसे खड़ा उतरें, किसी के भरोसे को कैसे बनाए रखें, उसके लिए भी थैंक्स। रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्सिबल फेयर एंड केयरिंग सिटीजन ऑफ टुडे, और ये बच्चे उसके लिए भी थैंक्स भगवान को बोल रहे हैं। ये रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है आपको सम्मान से या सम्मान देना, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेवार या उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाना, फेयर मीन्स अच्छा,
एंड केयरिंग सिटीजन, और एक अच्छे नागरिक जो सही ढंग से हर चीज़ का देखभाल कर सके, उसके लिए भी ये बच्चे थैंक्स बोल रहे हैं कि आज मैं जो भी हूँ, एक रिस्पेक्टफुली पर्सन हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, फेयर हूँ एंड केयरिंग सिटीजन हूँ, उसके लिए भी भगवान का थैंक्स, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स टीचर जो आपने दिया, उससे हम लोगों ने जो सही सही चीज़ सीखा, ताकि मैं आज एक अच्छा सिटीजन हूँ, सिटीजन्स मीन्स नागरिक, उसके लिए भगवान को थैंक्स कह रहे हैं। सो अगेन आई रिपीट, रिस्पेक्टफुली यानी कि सम्मान देना या सम्मानकारी, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायित्व निभाना अच्छे से। फेयर मीन्स अच्छा। केयरिंग मीन्स जो देखभाल करते हैं अच्छे ढंग से, केयरिंग। सिटीजन मीन्स नागरिक। सो यू हैव टू राइट, और ऑल्सो दे से प्लीज वॉच ओवर अस। और ये बच्चे बोल रहे हैं कि भगवान जैसा आपने हमारे ऊपर कृपा बनाए रखा, वैसा बनाए रखें, हमें वॉच करें, हमें सही मार्ग दिखाएं, हमारे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखें, एज वी एक्सप्लोर एंड लर्न जॉयफुली। ये बच्चे बोल रहे हैं, एक्सप्लोर का मीनिंग होता है आपको खोजना या पता लगाना, फाइंड आउट भी बोलते हैं, एंड लर्न जॉयफुली यानी कि वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें खोजूं या उनके बारे में जानूं, उनसे सीखूं और खुशी खुशी इसे अपनाऊं। ब्लेश प्लीज ब्लेश आवर टीचर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ये बच्चे बोल रहे हैं, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, कृपा बनाए रखना भी बोल सकते हैं आप। सो ये बच्चे बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आशीर्वाद दें मेरे टीचर को, मेरे फ्रेंड्स को और मेरे फैमिली को, ताकि मैं उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखूं और अपनी ज़िंदगी में उसे उतारूं। सो ये बच्चे आपको क्या प्रेयर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उन्हें मिली उन सब चीज़ों के लिए वो प्रेयर कर रहे हैं। स्पेशली वो अपने इस प्रेयर में फ्रेंड्स और टीचर के लिए कर रहे हैं और अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं जो उनके पास है, उन्हें अच्छी सीख देते हैं, उनके साथ समय स्पेंड करते हैं, उन्हें उनके साथ खेलते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। सो ही ऑल्सो बी ग्रेटफुल फॉर दिस ऑल, इन सब चीज़ों के लिए वो भगवान का बहुत ग्रेटफुल हैं। नाउ चिल्ड्रेन, व्हाट डू यू गेट मॉरल लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको मॉरल साइंस है तो आपको इन सब चैप्टरों से जो भी आप पढ़ेंगे उससे कुछ ना कुछ मॉरल लेसन मिलेगा। इसे नैतिक शिक्षा बोलते हैं हिंदी में, हमारे अच्छे के लिए होता है। तो हमें इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिली कि हम भगवान का हमें रोज़ थैंक्स बोलना चाहिए, सुबह उठ के प्रेयर भी करना चाहिए कि हमारे अगल बगल जो भी चीज़ें आपने हमें दिया वो बहुत अच्छा है, उसके लिए थैंक्स, और हमें इसी तरह सही रास्ता दिखाते रहें, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एंड ऑल्सो यू हैव टू थैंक्स योर पेरेंट्स योर एल्डर, और अपने बड़ों का भी आपको सम्मान करना चाहिए, उनका भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बातों को माननी चाहिए, बिकॉज आपने भगवान को तो देखा नहीं है बट वो आपके पेरेंट के रूप में आपके पास हैं, जो हर सुख सुविधा आपको देते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। सो आप उनका भी ध्यान रखें, उनको हर्ट ना करें, उनकी कहे बातों को मानें, और सुबह उठ के जैसे आप भगवान का प्रेयर करते हैं उनको भी प्रणाम करें, उनका भी ब्लेसिंग लें। आई थिंक आप ऐसा करेंगे। बाय, गुड डे चिल्ड्रन।